नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज पीआर पर। रिया सिन्हा आपके साथ है। आज 29 सितंबर है और आज जो है बिहार में पंचायत चुनाव का दूसरा चरण चल रहा है। तमाम जगहों पर मतदान हो रहा है और तस्वीरें हमारे पास विभिन्न जगहों से आई है। सबसे पहले तस्वीर हम आपको मोतिहारी जिले की दिखाएंगे और ये तस्वीर हमें भेजा है हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार जी ने। और दूसरी तस्वीर हम आपको गया जिले की दिखाएंगे और वहां भी जीतिया पर्व होने के बावजूद महिलाओं में भी जोश है। तमाम मतदान केंद्रों पर महिलाएं अपने व्रत होने के बावजूद भी पहुंच रही हैं और एक तरह से उनके अंदर उत्साह दिखाई दे रहा है। तो तस्वीर हम आपको फिलहाल हर जगह की दिखाएंगे। कुमुद रंजन जी ने हमें गया से ये तस्वीरें भेजी है, आप देखिए। अब हम आपको नालंदा लेके चलेंगे। नालंदा की ये तस्वीर हमें ऋषिकेश, हमारे संवाददाता ऋषिकेश जी ने भेजी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं नालंदा में भी किस प्रकार से मतदान चल रहा है। और बीच में रहिए, आप कोई दिक्कत ना है आपको। नहीं रुकर बजाते रमेश क्या हो जाए। और आखिरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे वो है मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर से तस्वीरें हमें रुपेश जी ने भेजा है, हमारे संवाददाता। वहां भी महिलाओं का जोश जमकर देखने को मिला। वोट देने आई है, क्या मुद्दा लेकर आई है, क्या है समस्या आपके? कुछ नहीं सर। बोलिए क्या क्या चीज बोले। समस्या क्या है आपके गांव में, बदलना चाह रहे हैं मुखिया को कि पुरान? नहीं नहीं बदलना चाह रहे हैं। बदलना चाह रहे हैं। क्या पहले के मुखिया कोई काम किए थे? नहीं किए थे। तो फिर बदलने के लिए क्या नाम हुआ आपका? कहाँ घर हुआ? चतरिया। पहली बार वोट देने आई है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रहा है। क्या मुद्दा है, क्या मुद्दे पर वोट देंगे? विकास करना है। क्या चीज विकास में क्या है? बउआ गांव का विकास होगा इसमें। गांव का क्या नाम बताए? पूनम कुमारी। क्या नाम हुआ बुआ? सुषमा कुमार। आज पहली बार वोट देने आई है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कोई कठिनाई मन में, कोई उत्साह है? वोट देने आई है, क्या मुद्दा लेकर वोट देने आई है, क्या है मकसद? हमारे क्षेत्र में विकास हो। अभी तक जो मुखिया थे वो क्या किए हैं अपने क्षेत्र में? कुछ काम अधिक नहीं है। क्या बदलाव चाह रही है कि बदलाव चाह रही है? क्या नाम हुआ?
ये तमाम तस्वीरें हमने आपको विभिन्न जगहों की दिखाई जहां पर दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी खबरों के लिए न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें। शुक्रिया।